हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं रुका था ऋषिकेश में इस होटल में, जो कि होटल निर्वाणा पैलेस के नाम से है। और अभी मैं जा रहा हूँ आगे शिवपुरी की तरफ। मैंने अपना कुछ सामान जो है, टेंट, स्लीपिंग बैग और अपना कुछ और जो हैवी सामान था, जिससे कि मेरा 6-7 किलो वेट अभी इसमें बैग में कम हो गया है, वो मैंने यहीं रखवा दिया होटल में। और आगे मैं अब उस सामान के बिना बढ़ूंगा और आगे अब देखते हैं स्टे का कैसे करना होगा, क्योंकि टेंट तो मैंने छोड़ दिया है अपना, तो अब थोड़ा चैलेंज रहेगा। जब मैं पहली बार हिचैक मतलब लिफ्ट लेकर यात्रा करने निकला था, तब मैंने उस जगह पे टेंट लगाया था वहाँ पे। और ये इधर से नज़ारा है, मैं निकल चुका हूँ। आसपास के पहाड़ देखो, मज़ा आ रहा है अब। और यहाँ पे अच्छे चल रहा हूँ, मेरा सामान थोड़ा हल्का हो गया तो उसकी वजह से अब आसानी हो रही है। और वो 11 मंजिला जिन 13 मंजिला मंदिर जो कहते हैं वो है। ऋषिकेश में जो एक वाटरफॉल है, उसका रास्ता यहीं से जाता है, नीर झरना, जो कि अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता कि ऋषिकेश में ऐसा कुछ वाटरफॉल है। यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैक करके थोड़ा जा सकते हो, टैक्सी लेके वो बहुत महंगी पड़ेगी, ट्रैक करके भी छोटा सा जा सकते हो। और ऊपर काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। यहाँ पे जगह जगह लैंडस्लाइड हुए पड़े हैं, पीछे दिख रहा होगा आपको कि इतना चौड़ा रास्ता कितने समय हो रखा है। और पूरी रोड धूप ही धूप और गर्मी ही गर्मी। बाकी मैं चलता जा रहा हूँ, 3-4 किलोमीटर चल चुका हूँ आज, 20 किलोमीटर के लगभग चलना है मुझे। तो धीरे धीरे करके मैं आराम आराम से चल रहा हूँ। और थोड़ा सामान कम हुआ है तो उसकी पता लग रहा है फ़र्क। अंदर ने मेरे से बिस्किट छीन लिया, एकदम से झपट्टा मारा आके, भाई साहब मैं तो डर गया। तो अभी पीछे मैं एक छोटे से ढाबे पे खाना खाने रुका था, और वहाँ मैंने दाल चावल खाए, बढ़िया लगे, गांव की याद आ गई दाल चावल खा के। और सरप्राइज वाली बात होगी मेरे लिए कि मैं जो है, मुझे आज शिवपुरी रुकना था और शिवपुरी रह गया पीछे, जो कि अब अच्छी बात है क्योंकि अभी 2 भी नहीं बजे और मैं शिवपुरी से आगे जो है पहुंच गया हूं, जो कि मेरी लोकेशन से कम 20-22 किलोमीटर था। और इतने में मैं मैदानी इलाकों में थक जाता था, शायद इस वजह से कि मेरे पास आज सामान कम है, या फिर इस वजह से भी कि मैंने आज गूगल मैप खोल के ही नहीं देखा, वरना और दिन में घड़ी घड़ी गूगल मैप खोल के देखता था। तो काफ़ी अच्छी बात होगी आज मैं जो है अपने सेकंड स्टॉप, जो कि यहाँ से 20 या 22 किलोमीटर होगा, वहाँ तक कैसे भी शाम तक पहुँच जाऊँगा। तो मेरे लिए एक स्टॉप कम हो गया और एक दिन थोड़ा जल्दी हो गया। तो मतलब मैं नॉर्मल इलाकों से, मैदानी इलाकों से ज़्यादा फास्ट पहाड़ों में चल रहा हूँ। मैं अब शिवपुरी से आगे तो निकल गया, लेकिन अब आगे मेरे पास ब्यासी या कौड़ियाला में कोई स्टे का ऑप्शन नहीं है। कौड़ियाला यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर और ब्यासी लगभग 9.5 किलोमीटर है, और 4 करीब बज गए हैं, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और वहाँ पे मेरे पास अब तक कोई स्टे का ऑप्शन नहीं है। तो बाकी चलते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है। और ये इधर का रास्ता, और सारी टेंशन बस रात की रहती है कि रात को स्टे का क्या रहेगा। खुले में भी नहीं सो सकते क्योंकि जो होता है गुलदार, जिसे यहाँ मतलब हमारे वहाँ बाघ कहते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं बाघ से, लेकिन ख़तरनाक होते हैं, उनका बाहर घूमते रहते, तो बाहर बाहर सोने का ऐसा कुछ नहीं रखना। जहाँ स्टे का देखना है वहाँ थोड़ा स्टे को ऐसे ही देखना है। तो फाइनली हम ब्यासी तक पहुँच गए, अब बस हमें यहाँ पे स्टे का और देखना है। रास्ता ढूंढ ढूंढ के चलना। तो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूं ब्यासी नाम की जो जगह है वहां पर, जो कि शिवपुरी से आगे पड़ती है और कौड़ियाल से बीच में पड़ती है। और यहां से लगभग देवप्रयाग जो है 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर का लगभग है। तो यहां पर मैंने बड़ी मुश्किल से कई ढाबों वाले से बात करी, सब ने मना कर दिया। तो एक ढाबे वाले भैया से मैंने बात करी और यहाँ पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे सोने की इजाज़त दी है, क्योंकि होटल यहाँ पर 1000-1200 के थे।
और इतना बजट मेरा नहीं है था क्योंकि मैं खाने का ही बजट लेकर चला हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है अगर ये लोग मुझे स्टे के लिए नहीं दे दो, और जो खाना पीना है वो मैं यहीं से कर लूँगा अपनी तरफ से पेड, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सोने का मिल जाए सबसे बड़ी बात यही है। और यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है उसके बगल में ये होटल है शुद्ध शाकाहारी राणा भोजनालय, तो यहाँ पर मैं भैया के साथ यहाँ पर सभी लोगों के साथ यहाँ पर आज नाइट स्टे करूँगा, तो इन लोगों ने मुझे मतलब नाइट स्टे के लिए यहाँ पे इजाज़त दे दी तो यहाँ पर भैया लोगों के साथ ही मैं यहाँ पर सोऊंगा इधर टेबल पे, तो अगर मेरा नाइट स्टे का नहीं होता तो मेरे को काफ़ी दिक्कत हो जाती क्योंकि मैं अपना टेंट वेंट कुछ लेकर नहीं आया था, और ये सब ना लाने की वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी जो कि अभी आज के लिए तो सॉल्व हो गई क्योंकि आज रहने का मिल गया है। बाकी इन लोगों के साथ ही आज अभी खाना वाना खाएंगे और सोएंगे। क्या टाइम हो गया भैया? नींद आ रही है ना तो खाना वाना खा के सोएंगे।